भाभी भाभी, अब तो मैंने फैसला कर लिया है, आज के बाद मैं अनामिका को फोन नहीं करूंगा। अरे वो समझती क्या अपने आपको, हमें वो फूल और एन इडियट। रणवीर जी संभालिए अपने आपको, हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई हो, है ना? नहीं भाभी, आप खुद ही बताइए, फोन होता किस लिए? इन्फॉर्म करने के लिए ना। अगर उसमें एटीट्यूड है तो मेरे में भी बहुत एटीट्यूड है, इवन आई डोंट केयर। रणवीर जी, दोस्त तुम्हारी बहन मेरे भाई से क्यों नहीं मिली? हाँ पता नहीं आलेख जी, ऐसा करती हूँ मैं फोन करती हूँ। हाँ अनमोल, आपको नहीं पता कि आपकी दोस्ती क्या मायने रखती है मेरे लिए। मुझे पता है इस वक्त आप मुझसे बहुत नाराज होंगे, पर हेलो हेलो जीजी, जीजी मिल लिया आप अनमोल जी के साथ? कैसी रही आपकी मुलाकात, कैसे है वो? साधना, वो मैं। क्या वो, बोलिए ना। साधना, मैं वहाँ अनमोल का इंतजार ही कर रही थी कि अचानक मैंने रणवीर जी को वहाँ देखा। हाँ तो मैंने ये सोचा कि अगर उन्होंने मुझे और अनमोल को एक साथ देख लिया तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं इतना घबरा गई कि मैं वापस चली आई वहाँ से। हे भगवान, क्या? तो फिर जीजी, रुको, कम से कम मुझे तो क्या? हेलो, तुम्हें पता है मैं और मेरी दोस्त ना गॉड से प्रे कर रहे थे तुम्हारे लिए कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल जाए और तुम हैप्पी हो जाओ। हाँ पता है, छोटी माँ कहती है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, तुम तो बहुत अच्छी हो ना, मेरी दोस्त की जीजी जो हो। हाँ ओके ओके। हाँ मेरा जीजी को बताना कि रणवीर जी ही अनमोल है ठीक नहीं होगा, पता नहीं ये जानने के बाद जीजी कैसा रिएक्ट करेंगी। कल ताज महोत्सव है, मैं जीजी को रणवीर जी को वहीं बुलाने को कहती हूँ, वहाँ दोनों पहले एक दूसरे को देख लेंगे, पहचान लेंगे, बाद में अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ये लो, तुम ही दोस्त से बात करो। ओके जी, ये लो दोस्त, बात करो। जी जी, आपने अनमोल को फोन करके सॉरी तो कहा होगा ना? नहीं साधना, मैं उन्हें फोन करने ही वाली थी कि अचानक तुम्हारा फोन आ गया। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, उन्हें सॉरी बोल दीजिए और उन्हें ताज महोत्सव में आने के लिए बोलिए, उनसे कहिए कि आप उनसे वहीं मिलेंगे। हाँ साधना ये तुम ठीक कह रही हो, मैं उन्हें फोन करके ताज महोत्सव के लिए इनवाइट कर लेती हूँ, है ना? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे फोन करूं? तुम्हारे प्यार की निशानी हो ना, आपको देखकर ही मैं सोचने लगी थी कि मुझे भी मेरे सपनों का राजकुमार एक दिन मिलेगा, इसीलिए मैंने अनमोल को आपके पास मिलने के लिए बुलाया था, पता है आपको? पर हो गई ना प्रॉब्लम दोनों बार, अब वो गुस्से से भरे बैठे होंगे, क्या करूं, कैसे मनाऊं मैं उन्हें? लेकिन हाँ, एक कोशिश तो कर सकती हूँ ना, प्लीज प्लीज विश मी ऑल द बेस्ट। आप मुझसे नाराज होंगे ना? नहीं नहीं,
मैं तो खुशियां मना रहा हूँ, जश्न मना रहा हूँ अपनी बर्बादी का। ऐसा मत कहिए अनमोल, मेरी बात तो सुनिए। वो तो मैं बस जो कुछ भी सुनाना है जल्दी सुनाइए, मेरे पास टाइम नहीं है। इतने बिजी हैं आप कि मुझसे बात करने के लिए 2 मिनट भी नहीं आपके पास। देखिए, वैसे भी मुझे पता कि आप क्या कहने वाली हैं। अब तो मुझे जुबान याद हो गया है, और वैसे भी सॉरी कहने के लिए सिर्फ 10 सेकंड काफी है। ऐसा नहीं है अनमोल, मैं गई थी वहां पे। झूठ। मैं सच में आई थी वहां। अच्छा, तो फिर मिली क्यों नहीं? ओहो, अब समझा, शायद आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद आई होगी, है ना? ऐसा नहीं है अनमोल। तो फिर कैसे? मैंने तो आपको देखा भी नहीं था। जब मैं आपको ढूंढ रही थी कि अचानक मेरे एक रिश्तेदार मेरे सामने आ गए, तो मैंने सोचा अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बस इसलिए। अरे वाह, आप कितना अच्छा सोचती हैं। आपने ये तो सोच लिया कि आपको देख के आपके रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जब मैं आपसे नहीं मिलूंगा तो मैं आपके बारे में क्या सोचूंगा। और वैसे भी मेरे बारे में सोचने की फुर्सत किसके पास है, है ना? मैं तो हर वक्त आप ही के बारे में सोचती रहती हूँ। अच्छा, क्या सोचती हैं आप मेरे बारे में? मतलब मैं यही सोच रही थी कि आप जैसा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपको सॉरी कैसे बोलूं। अरे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी पहले वादा करना, उसको फिर तोड़ना और फिर सॉरी बोलना, इन तीनों चीजों में तो आप एक्सपर्ट हैं। प्लीज अनमोल, अब माफ भी कर दीजिए। I'm really very very sorry, please. अनामिका जी, आपने जो कुछ भी बोलना था या कहना था कह दिया, और कुछ कहना है? प्लीज अनमोल, गुस्सा छोड़िए ना। देखिए ना, मैं कान पकड़ रही हूँ, प्लीज। देख ही तो नहीं सकता, अगर मिलता तो आपको देखता ना, लेकिन मैं तो आपसे मिला ही नहीं। और अब तो मैं आपको ना देखना चाहता हूँ ना आपसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए धन्यवाद। मैंने आपसे कहा ना मुझे आपसे मिलना है और ना मुझे आपको देखना है, इसलिए धन्यवाद। मैं भी तो आपसे कह रही हूँ कि प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। इस बार चाहे कुछ भी कर लीजिए अनमोल जी, मैं तो आपको मना कर ही रहूंगी। उस रागिनी से तो कुछ पता चला नहीं। काम करती हूँ, कम्मो को ही फोन करके पूछती हूँ कि उसकी बड़ी माँ ने साधना की क्लास लिया नहीं। हाँ मालती, बोलो। बताओ ना, तुम्हारी बड़ी माँ ने उन दोनों को देखकर लौटने के बाद घर में क्या धमाका किया? मामी जी बता रही थी कि बड़ी माँ तो बहुत गुस्से में लौट, और जब उन्हें पता चला ना कि साधना के मामा जी ने ताज महोत्सव के लिए इनवाइट किया, तब तो उनका गुस्सा बाप रे बाप बहुत ही बढ़ गया था। अरे वाह, इसका मतलब तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर बैठा है। राम 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 राम। लेकिन कम्मो, एक बात मुझे अभी तक पता नहीं चली कि रागिनी रणवीर जी से बिना मिले क्यों वापस आ गई। छोड़ो ना मालती,
हमें क्या करना है, वो मिले ना मिले हमें क्या पड़ी है। हमारा प्लान तो बस बहुत लंबा खींचेगा, देख लेना। सो तो है, बात जितनी लंबी खींचेगी उतना ही बड़ा। क्या कहा था तुमने, वो ब्लास्ट? हाँ, उतना ही बड़ा ब्लास्ट होगा, है ना? झूठ तो मैं बोलती नहीं, मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है कि वसु जी कब हमारे यहाँ आकर बाऊजी को खरी घोटी सुनाएंगे। हाँ तुम चिंता मत करो मालती, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा, लेकिन तब तक अपना मुंह बंद रखना, समझी कि नहीं? हाँ हाँ समझ गई। चलो बाय, फोन रखती हूँ। बाय। हे भगवान, अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। एक तरफ माँ बाऊजी को खूब नीचा दिखाऊंगी और दूसरी तरफ पतिदेव की तरक्की, मतलब ज्यादा पैसा, फिर तो शॉपिंग ही शॉपिंग। वीनू की बहू, अब की बार जब वीनू को तनख्वाह मिले तो उसे कहना ये बिल जमा करा दे, आखिरी तारीख निकल ना जाए। अरे अभी तक घर में तनख्वाह आई नहीं और आप लोग ये बिल जो है पहले हाथ में थमा देते हो। तनख्वाह आने वाली है, आई तो नहीं है। वीनू की बहू, ये बिल जमा कराने की जिम्मेदारी वीनू की है, और अगर ये टाइम से जमा नहीं कराया ना तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। और हाँ, ये कड़वे बोल तू मुझे क्यों सुना रही है, मैंने तो खुद तुझे सारी जिम्मेदारी दे दी है ना। हाँ तो कौन सा बड़ा एहसान किया माँ जी आपने, आपसे जिम्मेदारी नहीं संभल रही थी तभी आपने मुझे दी थी। झूठ तो मैं बोलती नहीं, अब आप ये बड़ापन जताना बस बंद कर दीजिए। भाभी आप माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? रागिनी तू अगर चुप रहे ना तो ही तेरे लिए बेहतर होगा। क्या गोल खिला रही है ना, मुझे सब पता है। सुबह से शाम हो गई है, बहुत सब्र कर लिया हमने, अब तक तो रणवीर रागिनी से मिल चुका है। रागिनी अनामिका है ये जानकर तो उसका जोश ठंडा पड़ गया होगा, वो रागिनी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अब तक वो खामोश क्यों है, हम जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। नहीं नहीं नहीं, हम उसे कैसे बता सकते हैं कि हम उसे फॉलो कर रहे थे। पिछली बार जब हमने अनामिका को फोन लगाया था तो मामला बिगड़ गया था, लेकिन इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे भी तो नहीं रह सकते हम। ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं, हो सकता है बातों बातों में खुद ही सारी सच्चाई बता दे। सवाल करना चाहते हैं रणवीर, और उम्मीद करते हैं कि तुम उसके सच्चे सीधे जवाब दोगे। हाँ मॉम, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? कब से चल रहा है ये सब? मॉम मतलब आई डिडंट गेट यू मॉम, आप कहना क्या चाहती हैं? तुम हमें और कितना सस्पेंस में रखोगे रणवीर, तुमने तो कहा था कि उस लड़की से मिलकर तुम हमें सारी डिटेल्स दोगे। मॉम एक्चुअली बात देखो रणवीर, वैसे तो हम ऐसे सवाल नहीं करते तुमसे, लेकिन हमें फिक्र है तुम्हारी, और फिर फोन फ्रेंडशिप का क्या भरोसा,
प्यार अंधा होता है रणवीर, इससे पहले की बात आगे बढ़े तुम फिर से ठोकर खाओ। पर मॉम। पर क्या रणवीर? मॉम अभी तक मैं उस लड़की से मिला तक नहीं। तुम्हारा मतलब तुम दोनों अभी तक? नहीं मॉम, मैं अभी तक उससे नहीं मिला। मॉम मैं आज भी उससे मिलने गया था लेकिन वो नहीं आई और मैं वेट करके वापस आ गया। मैंने खुद अभी तक उसे नहीं देखा तो मैं आपको क्या बताता? मॉम मैंने उस लड़की को देखा था। यानी कि रणवीर अभी तक नहीं जानता कि वो लड़की रागिनी है, लेकिन हमने तो रागिनी को देखा था वहां, फिर वो मिली क्यों नहीं रणवीर से? जो भी हो साधना, तुमने अपनी बहन के साथ मिलकर ये जो खेल रचा है उसका ऐसा अंत करेंगे हम कि दोबारा ऐसी जरूरत तो दूर, आंख उठाकर हमें देखने की हिम्मत भी नहीं बचेगी तुम्हारे पास। मैडम ताज महोत्सव के आयोजक आपसे मिलने आए। उन्हें बिठाओ, हम अभी आते हैं। जी मैडम। हमें गलत मत समझना रणवीर, ये हमारी ममता है जो हमें सवाल करने पर मजबूर कर देती है। हम फिर बात करेंगे। ओके। सारा भी लगाम नहीं देती अपनी जुबान को, दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है। अरे ऐसी होती है क्या घर की बहू है? माँ प्लीज आप दुखी मत होइए, आप तो भाभी की आदत जानती है ना। और हाँ वो क्या सुना रही थी तुझे? क्या मतलब था उसका कि वो सब जानती है कि तू क्या गुल खिला रही है? देख बेटा, मुझे बहू की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो मुझे जाननी चाहिए तो मैं चाहती हूं कि वो तो मुझे बता दे, किसी और से ना सुनूं मैं। समझ रही है ना तू? मुझे माँ को जल्दी सब कुछ बता देना चाहिए। कौशल्या जी, क्या बातें चल रही हैं माँ बेटी में? कुछ नहीं जी, कल ताज महोत्सव है, बस उसी के बारे में बात हो रही थी। आप आशीर्वाद दीजिए ना इसे। कैसी बातें कर रही हैं कौशल्या, मेरा आशीर्वाद तो सदा इसके साथ है। अभ्यास तो अच्छी तरह से हो गया ना बेटा, कल का महोत्सव ही तुम्हारा लक्ष्य है बेटा, अपना सारा ध्यान उस पर लगा देना। कल का दिन बहुत अहमियत रखता है तुम्हारे लिए, एक एक पल का आनंद लेना और उस एक पल को साकार करना जब तुम्हारी कला चरम सीमा पर। एक छोटी सी भेंट है तुम्हारे लिए, कल के महोत्सव में तुम्हें विजय प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। क्या है बाबूजी? खोल कर देखो। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। माँ बाबूजी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। हम ये जानते हैं बेटा। विदाई रीत ये कैसी है?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।